सरदार साहब जी जनाब, जो लोग लोगों की प्राइवेसी में इंट्रूड करते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे फजूल है, देखो ना हुण ओनू मुंह दिखाने पई ना, ओदे कान च की क्या, तू को सुनना चाहना भी ओदे कान च की है यार। वो कामयाबी का राज था, मैंने कहा पूछ लेते हैं। वो तो उसकी कामयाबी ना, तुम अपनी कामयाबी पूछो। सखावत साहब ने तो कारोबार शुरू किया है, इन्हें भी अपनी बीवी ने कहा मैं कारोबार शुरू कर लगा, और क्या जानू मेरी कान में बात सुन लो। अच्छा, और तुसी को क्या? अच्छा देखिए, मैंने आपकी इज्जत में अच्छा कहा है, मैंने आपको ये नहीं कहा अच्छा। अच्छा कहा था उसने, ये तो हो जाता, हो जाता। पूछा नहीं उन्होंने, ये नेचुरल है। कान च गल हर बंदे दी आदत बन गई पाजी। अच्छा, मैं स्टूडियो दे विच एक गुंगा साडा यार, गुंगा बोलदा नहीं। अच्छा, ते ओ वी मैनूं बुला गया, मैं कहा तो मेरे कान च आ गया। अच्छा, वो लोगों का पैगाम दे रहा सी कि मैं तो बर्दाश्त कर लांगा लेकिन ना लिया करी। गुंगा तेनू गेड़ा करा गया। अच्छा जी, वो जो तेरे कान च गल कर रहा है, तू समझ रही, तेनू कह रहा सी अखलाक नाल पेश आया करना, पर जाग गुरु कहता वो कह रहे थे मैं उन्होंने इन गाला कड़िया समझ नहीं आई। अच्छा, तो अज तो बाद मैं पूछा, मैं मैंने तो तू गाला कट के गया, उन्होंने की कह कहा? कहता उन्होंने भी नहीं पता लगा कटिया, उन्होंने भी मैं गाला ही। सरदार साहब की वाइफ ही इन्होंने कान के कोल आई। अच्छा, और ऐसी गल की इन्होंने डेले बहर आ गए। अच्छा, कहती मेरे मां बाप आ रहे ने और टगा एक नहीं गा सा, डब्बे खाली पे ने। और जड़ी एदी बीवी ने गल की ना कान चो कहे पता ही नहीं। अच्छा जी, उन्हें कहा जानू देखो तुसी कारोबार शुरू कर लगे हो, अगर तुहानू नुकसान हो गया ना तो मैं जेवर नहीं जे वेचना, अपनी बेबे का वेच देना। सरदार साहब जी साढ़े वड्डे ने, इन्हें बेगम साढ़ी चाची, उन्होंने भी इन्हें कान च गल की थी। पता नहीं की कोई ओह जी होनी, वह कड़ी चंगी दस सही, मैनू भी तो पता लगे मेरे कान च की कहती। वो कान च तेरे कही, तेनू नहीं पता लगा तो मैनू की पता होना भी की क्या। खूबसूरती की मौजूदगी होते हुए भी इस शख्स ने कभी अपने हुस्न की परवाह नहीं की। गेटअप्स पर काम करता है, अपने चेहरे को बदलने की कोशिश करता है, अपने वोकल टोन को बदलने की कोशिश करता है। माफी चाहता हूं, बड़ा गलत जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हर किरदार से पहले अपनी असली शख्सियत का कत्ल करता है और उस किरदार में दाखिल हो जाता है। आपकी जोरदार तालियों में माय फेवरेट होल पाकिस्तान्स फेवरेट खुशाल खान, वेलकम। Thank you so much, sir. Please have a seat, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Sir, मुज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और हर पाकिस्तान के उस वॉलपेपर की तरफ से जहां आप कहीं ऐसे करके खड़े हैं, कहीं आपने ऐसे कर, कहीं आप ये कर, कहीं आप ये कर रहे हैं, हमारे दिल में भी आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा बागीचा है जहाँ हमने आपकी खूबसूरत तस्वीर लगा रखी है और दुआ के लिए हाथ उठा रखे हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर आप जैसे टैलेंटेड और गुड लुकिंग लोगों के हाथ है। वेलकम टू मज़ाकरात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कोई अंग्रेज चुड़ैल चिमड़ी तेन। अच्छा इमरान भाई, जैसे कि आपने कहा कि कहीं ये ऐसे खड़े हैं, कहीं यहाँ ऐसे खड़े, बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं इनको सीधा खड़ा हुआ देखूंगा और आज देखूंगा। भैया ये ऐसे क्यों, कभी यहाँ कभी यहाँ, कोई थोड़ा सेल काट लेंदा वे। आपका अपना स्टाइल है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। और आपका एक ही स्टाइल है क्या? या अल्लाह। काम के लिए आपकी जो एफर्ट है थोड़ा जना और कर दे, साफ हो जाए। बड़ा बड़ा कारीगर, बड़ा बड़ा पहलवान, बड़ा बड़ा सियासतदान बंदा बैठा है, वो केड़ा बंदा है उठ के खड़ा हो जाए जिन्हें मेरे बांदरां ते तवीज पाए ने। वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह हैंडसम है आप। थैंक यू। आपकी नजर एक शेयर करना चाहूंगा प्लीज। कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया हूं मैं, आए तमाशा करते करते खुद तमाशा हो गया हूं मैं, ना मेरा दाम था ना नाम बाजारे मोहब्बत में, बस उसने कीमत पूछी और महंगा हो गया हूं। आए जबरदस्त अभी महंगा हो गया, रात 2500 से बंदे तू गाना सुना गया। विशाल साहब, सबसे पहला सवाल, आपकी कारकर्दगी एज एन एक्टर टीवी पे देखी, आपके मुख्तलिफ किरदार देखे, आपका भेस बदलना देखा, एक रॉक स्टार जिसने गुलुकारी शुरू की हम टीवी के एक ड्रामे में, और जब वो रॉक स्टार किरदार के उस मोड़ पर पहुंचा तो गेटअप के साथ लंबे बाल, अपनी लुक का ख्याल किए बगैर इतने छोटे से अरसे में इस छोटे से लड़के में इतनी बड़ी अक्ल कैसे आई, इसके पीछे क्या कहानी? सर पहले तो बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत अल्फाज के लिए, आई डोंट थिंक कि मैं इतना वो डिज़र्व करता हूँ, लेकिन बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। पहले तो ये, दूसरा जब आप काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, जब आप देखते हैं इधर उधर, जिस तरह मेरे सामने आपकी मिसाल मौजूद है और आप जैसे मतलब बहुत सारे एक्टर्स अदाकार जो है हमारे सामने मौजूद है जो कि इतनी जान डालते हैं, इतनी एफर्ट डालते हैं, हमने तो वही चीज़ें देख के वो किए कि अच्छा एक कैरेक्टर, जिस तरह आपसे बात हुई थी एक दफ़ा अगर आपको याद हो, कि कैरेक्टर एक्टर, कैरेक्टर पर काम करना, ये नहीं कि कुछ भी आ जाए उठा के कर लो, साइन कर लिया कर लो, नहीं, 10 प्रोजेक्ट साइन करने के बजाय 10 प्रोजेक्ट्स की जान एक ही में डाल दो तो उससे कुछ निकल आता है।